बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी रिएक्शन में। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सपना चौधरी के बारे में। सपना चौधरी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली। आपको बता दें कि अभी कुछ अपने घर वो गई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने सुहागनों को सामान बांटे, जिसके बाद में वो सुहागने बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिए और सभी अपने खुशी खुशी घर गए। लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी खुशी इस चीज़ की जताई, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं, कुछ टुच महिलाएं, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि आप सुहागनों को सामान नहीं बांट सकती और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भैया क्यों नहीं करना चाहिए? जब लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर कोई समझदार, जो कि जिसकी खुद की सोच ये है, वो इंसान यहाँ पर है, वो इस सोच वाला समझदार इंसान है, या फिर ऐसा कुछ शास्त्रों में या कहीं लिखा है, कोई पंडित है, ज्ञाता है इस चीज़ का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि भाई ऐसा क्यों। अगर किसी इंसान का सुहाग छिन गया तो सारी बाउंडेशन उस पर क्यों लगनी है? आदमी पर तो कभी कोई बाउंडेशन नहीं लगती, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता, औरतों पर ही क्यों लगनी है? एक तो वैसे ही उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती है, अकेलापन, फिर घुटन, इतनी सब चीज़ें, ऊपर से इतने सारी चीज़ें सोशली भी झेलनी है ना, मेंटली भी झेलनी, फिजिकली भी झेलनी, सोशली भी झेलनी। तो अगर आप सोशली चीज़ों को कम कर सकते हो, किसी का दुख कम कर सकते हो, तो वो करो ना, किसी की प्रॉब्लम क्यों बढ़ानी? ये कौन से शास्त्र में लिखा है हमारे हिंदू धर्म में कि ऐसा होना चाहिए? सुहागनों को चीज़ें नहीं बांट सकती कोई इंसान जिनके पति ना हो, हैं? इसके बाद आते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ पर, फेसबुक की बात की। फेसबुक पर कोई पेज नहीं है। एक दिन मैं रात के टाइम ऐसे स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पर, तो सपना की एक शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, शायद शादी से पहले की थी, जिसमें वो डांस कर रही थी। इतने भद्दे, इतने गंदे कमेंट्स वहाँ थे, इतना ज़्यादा हेट्रेट वाले कमेंट्स वहाँ थे कि जिनको देखकर शर्म आ गई। तो भाई मत करो ऐसी हरकतें, मत करो ये चीज़ें। और उनके मतलब सबके मेरे पास में शायद मैंने रखे भी हुए हैं स्क्रीनशॉट, तो वो लॉन्ग वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें सब कुछ मैं चीज़ें बताऊंगी कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं किसी को टॉर्चर करने के लिए, किसी को मेंटली प्रेशर करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे फेक चैनल्स की। तो भाई मत करो ऐसा, क्यों किसी की रोज़ी रोटी पर लात मार रहे हो? अपनी मेहनत करो, बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आप बना सकते हो कम मेहनत में भी, तो ऐसा ना करो। ऊपर से आप किसी का कंटेंट भी चुराते हो और उसी को बदनाम भी करते हो, तो ये होती हैं बेशरम औरतें। जब इनको रोका जाता है, मना किया जाता है, तो यही बन जाती है, हेट देने लग जाती है। इसके साथ में जो मैं यहाँ थैंक्स कहना चाहूँगी लखन और नीतू को, कि जो बात इतने दिनों से हम लोग समझा रहे हैं, बहुत से लोग समझा रहे हैं कि भाई बाहर निकलो, इन चीज़ों से बाहर आओ, घूमो फिरो, अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करो, कब तक इन चीज़ों में रहोगी? वो फाइनली उन्हें समझाया है किसी ने, और समझाया है उनको, समझ में भी आ गया। होप अब उनकी जो सांस है, मदर इन लॉ है, वो भी इस चीज़ को समझेंगी और वो भी अपना सपना को इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करेगी कि बेटा बाहर जाओ और घूमो फिरो, तभी ये चीज़ें इस सॉल्यूशन निकल पाएगा। इस तरीके से घर में बैठ के परेशान होकर रोकर कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि ये चीज़ें कहना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये एक बाहर निकलने का तो तरीका है, ये तो अब करना ही पड़ेगा, अभी तो मजबूरी है।